नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। सूर्य से फूटी और ज्वाला अब धरती से टकराने की कगार पर आ गई है। जी हां, अमेरिका की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जानकारी देते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि धरती की ओर बढ़ते हुए ये ज्वाला सौर तूफान बन धरती से टकराएगा, जिससे कि ब्लैक आउट होने की संभावना है। आपको बता दें कि सौर तूफान को लेकर अगर वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही चेतावनी सही साबित होती है तो ये धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और गर्मी बढ़ाएगी। इससे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर असर पड़ेगा और हो सकता है कि धरती पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली की समस्या देखने को मिले। इसके अलावा रेडियो सिग्नल और मोबाइल सिग्नल पकड़ने में भी दिक्कत आने की संभावना है और हो सकता है कि GPS इस्तेमाल करने वालों को भी बाधा का सामना करना पड़े। कुछ जानकार दावा कर रहे हैं कि ये सौर तूफान ऑनलाइन एक्टिविटी पर प्रभाव जरूर डाल सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। स्पेस वेदर ने कहा है कि हो सकता है कि ये तूफान अगले हफ्ते आए या 20 या 21 जुलाई को धरती पर पहुंचे। उनके मुताबिक ये G1 क्लास तूफान होगा, जो कि छोटा हो सकता है, मगर सैटेलाइट संचालन में इससे परेशानी होगी। जानकारी के मुताबिक ऐसे सौर तूफानों की उत्पत्ति कोरोनिल मास इजेक्शन प्लाज्मा और मैग्नेटिक एनर्जी छूटने से होती है। जी हाँ, ये विस्फोट पृथ्वी पर एक साल में उत्पन्न होने वाले सभी बिजली संयंत्रों की ऊर्जा की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक ऊर्जा पैदा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि सौर तूफान की घटनाएं कम देखने को मिलती है, मगर ऐसा नहीं है कि ये खतरा पहली दफा धरती पर मंडराया हो। 22 साल पहले धरती ने एक खतरनाक सौर तूफान को झेला था। उससे पहले साल 1989 में भी दुनिया ने एक ऐसा तूफान देखा था और उसका असर कनाडा के क्यूबेक शहर पर काफी पड़ा था। इसी प्रकार 1859 में आए सौर तूफान से यूरोप और अमेरिका के टेलीग्राफ नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ था। तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।